प्रिया बोले मान जाओ, बोले नहीं मानो। भाई तो अब आ गए हैं हम लोग गोवा के नाइट मार्केट में, जो कि लगता है सैटरडे नाइट को। और ये है ऐसा कुछ, यहाँ पे एंट्री है ऐसी कुछ इसकी। भाई बहुत सारे गेट्स हैं, हम लोग गेट नंबर 4 पे अभी सीधे अंदर जाएंगे। अंदर जाके काफ़ी कुछ दिख रहा है यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा। प्रिया तो एक्साइटेड हो गई है भैया, लग रहा है खर्चा कराएगी तगड़ा। ये देखा हाथों में खुजली हो रही है मैडम के। घुसते ही बैग्स भाई, घुसते ही। ड्रीम कैचर हम लोग को लेना है, लेकिन कुछ धांसू सा दिखेगा तब। बहुत बड़े हैं ये वाले। ये अभी हम लेके आए, इसका रेट कंफर्म करते हैं। ठीक है तो रेट तो सही मिल गई हमको। इधर ये कुछ है म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है भैया ये? ओह नाइस। हमारा मेन इंटरेस्ट है आज के लिए ड्रीम कैचर। अब लग तो काफी सारे रहे, बट हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है स्पेसिफिकली। कोस्टर्स, एक टी कोस्टर्स। लुकिंग गुड राइट? ये वुड है, ये वुड है, कार्डबोर्ड है, जो गत्ता आता है वो है। गत्ता नहीं है, होता है ना वो, ऐसा निकलता है बुरादा। बुरादा, ओके। बुरादे को चिपका के उसके ऊपर सेरेमिक लगा है, ऐसा बोल रहे हो? I'm liking this one also. ये वाला यहाँ पे तो रेट भाई अलग ही लेवल की बोल रहे, जो भी बोल रहे हैं। बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है। ये कितने का है? ये वाला 3000 का है स्टार्टिंग रेट। ये 3.5। कितना मैच्योर होता है भैया? ये स्पेशल मंदिर का है सर। मंदिर का बट भाई शंख यहाँ पे देख रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने नहीं देखे शंख कहीं पे भी। और यहाँ पे बजा के भी दिखा रहे हैं प्रॉपरली। भाई अगली बार ना गोवा आके यहीं से ही शॉपिंग करूंगा मैं पूरी। ये तो भाई ये तो बहुत एक्सल एक्सल डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल साइज है तो। हाँ बट शर्ट्स आर कूल, शर्ट्स काफी सही है। यहाँ के तो अच्छे लग रहे हैं बैग्स। पसंद आया क्या? खतरे की घंटी। लुकिंग गुड। कलर बहुत ब्राइट है इसका, अलग सही। प्रिया बार्गेनिंग करते हुए। प्रिया अपनी स्किल्स दिखाते हुए आंटी को, दीदी को, आई मीन। भाई मैंने बहुत देखा इसको बार्गेनिंग करते हुए, बहुत तगड़ी बार्गेनिंग करती है, बहुत ही घमासान होते हुए। प्रिया बोले मान जाओ, बोले नहीं मानो भाई।
दीदी ने फाइनली दूसरे ऑप्शन सजेस्ट कर दिए हैं। कौन सा? लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन से बेटर तो यही लग रहा है। कितने में? ओह, बार्गेनिंग डन, 500 में। प्रिया बहुत ही हैप्पी आज। ये क्या है? ये ऐसा ही एक और है। थैंक यू। प्रिया की नजर गई है भैया सबसे हैपनिंग जगह पे। अब पॉपकॉर्न भाई, यहाँ पे तो खाने पीने का भी काफी तगड़ा जुगाड़ है। और ये कुत्ता देखो जबरदस्त भाई। इतना तो हम घूम के आ चुके हैं वहां से पूरा। इट इज अ वेरी गुड इवेंट, बहुत ही सही मार्केट है। और हमारा हो चुका है आज का पूरा। अब हम जाएंगे और अपना थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके खाने पीने के लिए, डिनर के लिए जाएंगे आज। तो भाई फाइनली खत्म हुआ हमारा सैटरडे नाइट मार्केट का विजिट। अब जा रहे हैं सीधा होटल एंड देन बाहर कहीं अच्छी जगह पे डिनर करने। और प्रिया अपनी शॉपिंग करके एज यूजुअल काफी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अभी आए वाडो 15 में, ये देख लो। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन गोवा, इसको मिस नहीं करना कभी भी आओ तो नाइट के अंदर। मस्ट विजिट। क्यों प्रिया, यू लाइक इट? Even I like it. It is a must visit place for sure.